जी सर नमस्ते। जो अभी तो बस यही बोलूंगी कि अभी हमारे यहाँ जितने सारे फंडिंग हो रहा है वो तो दूसरी बात है। अभी फिलहाल मैं ये बोलना चाहती हूँ, देखिए जो रिव्यू है ना वो ही हमारे अल्टीमेट है। इससे पहले बहुत सारा कुछ हुआ है, काफी स्टेट से बहुत सारा कुछ हुआ है, वहां से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हमें अब तक नहीं आई है। अभी जो क्या है ना कि अभी एमए लगने वाला है, जिनका हियरिंग अभी हमारे यहाँ 5 तारीख को है, जो विश्वास सर जी देख रहे हैं, तो उसमें कुछ तो पॉजिटिव आया है। तो ये सबके सामने में है, ये नहीं है कि हम लोग कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या नहीं है। आप पहले हम सारे सबको एनआईएस के जितने अवतिया है सबको यही बोलेंगे कि आप पहले ना रिजल्ट कुछ देखिए, कुछ हो रहा है कहाँ। अब इधर उधर इतना पैसा लगा के बैठे हुए हैं, अभी जहां पर पैसा लगाने से आपका कुछ होगा तो आप आगे आके ना वहीं पर कुछ कीजिए, वरना अभी तो ये हमारे लिए लास्ट ऑप्शन है। रिव्यू के रिजल्ट के बाद कोई आई कोई एसएलपी कुछ काम में नहीं आएगा। तो अभी जो हम लोग के यहाँ से हो पा रहा है, हम लोग तो एकदम बिल्कुल एकदम कोशिश में लगे हुए हैं। और फिर विश्वास सर जी का क्यूआर भी हम लोग मतलब सारी ग्रुप पे, फिर मतलब जो हमारे कॉमन ग्रुप है वहाँ पर सारी जगह दिए हैं। तो हमारे वेस्ट बंगाल के जितने सारे एनआरएस के जो सिखाती अवधि है उनसे यही निवेदन रहेगी कि मतलब अभी ये सोचना नहीं है क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी आगे आप लोगों को अगर इंटरिम रिलीफ मिलती है तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। तो इंटरिम रिलीफ मतलब यही एक है, इसी में होगा तो आगे आइए और फंडिंग कीजिए। और कुछ मतलब इससे आगे तो कुछ हमारे खुशी इस बात की हुई है कि कोई हमें बिना समझाए बिना बताए इतना अच्छा बोला। डब्ल्यूबी की तरफ से जो बोला गया ना, इनको मैं नहीं जानता हूँ, मुझे उनकी टीम की तरफ से इनका नंबर फॉरवर्ड हुआ कि हमारी उधर से ये जुड़ेंगी, तो हमने टीम से, चूंकि टीम से आया तो हमने तुरंत आपको फॉरवर्ड कर दिया कि ये जुड़ेंगे। लेकिन जो इन्होंने बात कही ना, ये रिव्यू के अलावा कोई विकल्प नहीं है किसी के पास, वो मील का पत्थर है जो बात इन्होंने कही। उसके बाद एसएलपी टीपी एमए या किसी भी कोर्ट से घूम के आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट लिख के दे रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। अगर कोई एक भारत का कोई एक आदमी जो एनएस को इसके बाद जिताने की गारंटी देता है, अगर आज आके कह दे कि हाँ रिव्यू को डिसमिस हो जाने दीजिए, उसके बाद हम उसको जिता कर दिखाएंगे, मेरी तरफ से वो खाली कह दिया कि बस। और मैं नोट कर रहा था कुछ कमेंट्स, इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले कमेंट्स ले लीजिए आज जितने जिसके आ रहे हैं। एक इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है ना कि ये कोई सत्यम सिंह और कोई वीर सिंह का कोई एक मिनट कोई मैटर है। मैं देखिए इसके लिए सर, मैं ये टेक्निकल मैटर है, उसके लिए हमारे वार हैं, उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर उन्होंने लगाया है तो कोई बात नहीं, आने दीजिए, उसके लिए हम लोग जवाब तैयार कर रहे हैं। और ये भी आपके प्रयासों से ही निष्फल होंगे, इनको किसी को निष्फल करने के लिए ना आपके प्रयासों की जरूरत है। इसमें कोई भी आ रहा है, आइए लेकर के जाए कुछ कुछ भी कोई भी आ रहा है, इसके लिए आप ही उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब आप इधर आप सहयोग नहीं कीजिएगा तो उनके जवाब में बोलने के लिए वकील की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो जो हमारी टीम है ना बहुत बारीकियों से काम कर रही है, कौन क्या आइए लगाया है, उसके आइए में क्या है। ऐसा नहीं है कि हम घर बैठे हैं और चुपचाप वहां पे वार कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम घर जरूर बैठे हैं, लेकिन वहां पे जो भी लगता है एक एक कागज, उसकी मूल कॉपी हमारे पास आ जाती है, वहां से निकल करके जो प्रिंटेड कॉपी होती है हमारे पास आ जाती है। हमारी टीम इस पे देखती है और उसमें हम देखते हैं कि इस पॉइंट को कौन सा वकील, हम एक ही मनदीप भाई सारा किस नहीं छोड़ देते हैं या दो सीनियर लाते उन्हीं पर नहीं छोड़ देते, कौन सा वकील अब अभी देखेंगे। और जो आगामी जो सुनवाइयां सुनवाई होने वाली है, यह दिन आपके लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। जैसे साल भर में नहीं होता है कभी चांद निकलता है, तो जीवन भर आपको ना ना ही इस तरह से कोई समझाने वाला मिलेगा, ना ही आपको कोई इस तरह से एक एक रुपये का पाई पाई का हिसाब देने वाला मिलेगा, और ना ही इस तरह से केस में पॉजिटिविटी लाने वाला कोई मिलेगा। दुर्भाग्य रहा आपका हमारा कि हम किसी के साथ किसी भरोसे में लाइव आए और उसी झांसे में आप लोगों ने करोड़ों रुपए फूंक दिए। मुझे इसका दुख है और होने के कारण मैंने सब पे छोड़ दिया कि जिसको जो इच्छा हो रही है करें, क्योंकि उस जो दुर्घटना हुई, जो घटना हुई देश भर के साथ आज से 9 महीने पहले जनवरी फरवरी में जो वो घटना हुई, वो वाकई में स्तब्ध करने वाली थी। कैसे लोग, किसने किसने किस तरह से, आज मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं बेचारे को, जब मैं बातें जो पढ़ रहा हूँ ना तो क्या बताऊँ, मेरे आंख से आंसू आ जा रहे हैं। बताओ इन्होंने किस तरह से मेहनत करके अगले ने 5,000 रुपये 3,000 रुपये दिया और क्या परिणाम दिया लोगों ने,
नहीं। आपने केस फाइल किया, अच्छी बात है, जितना लगा आपने लगाया, आपको फर्ज बनता था कि जो लगा है, जो लगने वाला है या जो बचा है उनको बता दे, लेकिन आपने कुछ बताना की हिम्मत नहीं उठाई। अभी कल एक सज्जन ने मेरे पास एक वीडियो का लिंक भेजा, थोड़ा सा हमने देखा, फिर अगला कह रहा है कि हम ये लाने जा रहे हैं और इसमें फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी। हंसी तो हमें तब आई जब कह रहे हैं कि हमें दो केस ट्रांसफर कराने जा रहे हैं, वही चीज, वही आदमी जो पहले कह रहे थे कि टीपी क्या होता है, हमारे फलाद एवार कह रहे हैं कि टीपी एक मिनट में डिसमिस हो जाएगा, मैंने देखा है लाइव वीडियो, वही आदमी। और उन्हीं आदमी को हम तब सजेस्ट कर रहे थे, मनदीप सर भी सजेस्ट किए, तो बोले कि ये जो मनदीप है पैसा बनाना चाह रहा, इसी तरह से पैसा लेना चाह रहा। उस समय के इनके कमेंट ये थे, हम ये भी बोले थे कि मिसलेनियस लाते हैं, लेकिन ना, हमको कोर्ट बोला है, सुप्रीम हाई कोर्ट से होकर, हाई कोर्ट से होकर ही हम आपको सुनेंगे, तो हम उसी पर टिके रहेंगे। तो उसी पर किल्ली गाड़ दिया था, खम्मा गाड़ दिया, तो उसी पर टिके रहना था, नहीं लाइए, नहीं बोलना था यूट्यूब पे आकर, लाइव आकर के हम ट्रांसफर करा रहे हैं या सेल्फी ला रहे हैं, मेल आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट आपके बाप का है, हमारे बाप का बिल्कुल नहीं। अब अपनी जुबान देखिए ना, आपकी जुबान की कीमत क्या है, जुबान से पलट कैसे रहे हैं आप, इसका मतलब आप चोर हैं। कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है, इसका मतलब आप चोर हैं। क्या कह रहे हैं बिहार के लोगों को कि आपका जो पिटिशनर में है, आप कहीं इधर उधर मत जाइए, अगर इधर उधर जाएंगे तो आपका केस खराब हो जाएगा, हमें सेल्फी लेकर आ रहे हैं, आपको उसमें जोड़ेंगे, बंगाल से सेल्फी ला रहे हैं, बिहार के लोगों को जोड़ देंगे उसमें, अपने जैसे सबको पूरे देश को पलट समझा है क्या, सेल्फी कहीं और की होगी और पिटिशनर कहीं और के होंगे, चंदा चोर के कानून में। बात सही है, क्या बेवकूफ बना रहे हैं पूरे देश को, और लोग बेचारे बच्चों की गलती नहीं है, बेचारे भोले वाले हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं वो, हम लोग तो चलो नीचे से तहसील स्तर से हम लोग सीखे हुए हैं, हमें पता है कि कैसे कैसे होता है ये, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, उनको तो जो बोल रहे हैं वही बात सही मान रहे हैं, आज मैं बोल रहा हूँ आज मेरी बात सही मान रहे, कल उन्होंने बोला उनकी बात सही। हाँ, तो वही आ रहे थे आपके जो एसएलपी में जो लोग आए थे, हम कितने फोन आए कि सर ऐसा बोल रहे हैं, हम जाएंगे आप देखिए 5 तारीख को जो अंतरिम रिलीफ मिलेगी ना, उसमें आपका स्टेट भी है, बिहार भी है, जब रिलीफ मिलेगी ना तो आपको भी मिल जाएगी। कोई कम में रख रहा है आपको कि अभी आप सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हैं, तो वो तो महागधा है, ये है, आपको भी गधा बना रहा समझ रहे हैं ना जी जी। 200 के आसपास स्क्रीनशॉट मेरे पास आए, मैं तो समझ रहा था कि 2 ही अकाउंट जारी हुए हैं, ये तो सारा तीसरा अकाउंट भी जारी हुआ था उसमें। हाँ, 2001 में लिया, 2003 में लिया, सबसे बोला कि हम आपको बनाएंगे, कोई देख रहा हूँ कोई 50,000 भेजा, कोई 27,000 भेजा, कोई 30,000 भेजा, सबसे बोला कि आपका लगाएंगे, आपका लगाएंगे, मात्र एक रिट लगाया, डिसमिस करवा दिया, 2 रिट को ऐसे ही डिसमिस होने दिया। उस समय बोले तो क्या बोल रहे थे कि उसी लिस्ट में इनका भी रिव्यू था, खारिज होने वाला था, इन्होंने बचा ली, मेंशन करके बचा लिया। अरे हम बचा लिए, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, तुमने सबसे 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया डिसमिस करवाने के लिए, उनके यूआर का केस लिस्ट देख रहे थे हम, 9 केस लगे थे, 8 डिसमिस दिखा रहा था, एक केस 25 तारीख को लगाए गवई जी के बेंच में, जाने क्या होगा, दे दीजिए। वैसे भी आप दें या ना दें, हम जिस स्टेप पर जिस जगह पहुंच चुके हैं ना, वहां से हमारा कंफर्म है कि बस पांचों गिरोह जो पांचों पांडव थे ना, पांचों पांडव ना सस्पेंड करा करके जेल भिजवा दिए ना, नाम बदलिए, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ। और बाकी रहे केस के बारे में, अब आते हैं हम अपने केस के बारे में, अब आते हैं हम अपने केस के बारे में, जो जहां है, देखिए फिर बोल रहा हूँ कि मैं फिर नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे 5,000 दीजिए, 2,000 दीजिए, अब बस जो भी है 1 रुपये तक आ रहा है मेरे पास, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये ऐसे भी आ रहे हैं, मुझे खुशी है। जब राम सेतु पुल बना था ना, तो उसमें गिलहरी ने अपना योगदान दिया था, और वो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और मैं किसी चैनल पे यूट्यूब लाइव आया था, किसी ने मुझे जब पहली बार 7 रुपये भेजा था, मैंने कहा था ये 7 रुपये ही 7 समंदर पार कराएगा, तो मुझे 1 रुपया आ रहा, मुझे हंसी नहीं आती है किसी पे, मुझे उसका पारिवारिक बैकग्राउंड याद आ जाता है कि किस तरह का होगा बेचारा, उसने उसके बाद भी मुझे 1 रुपये देने की, अपने जीवन के बचाने के लिए उसने 1 रुपये दिया मुझे, 1 रुपये देकर के मुझे वही फीलिंग आ जाती है कि 12 लाख, 12 × 1 रुपया 12 लाख। तो यही है, लाइव आने का मेन उद्देश्य यही है कि टीम काम कर रही है, बारीकियों से काम कर रही है, बट बार बार हम लाइव आकर के और पैसे पैसा 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 करते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इस पर खुद ही आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं एक देख रहा हूँ कि वो बंगाल से जो मैडम आई, उन्होंने अच्छा समझाया और उनकी बात एकदम सही है, रिव्यू आगे कुछ भी नहीं है, और जो अभी तक चिल्ला रहे थे कुछ नहीं, देखिए सभी के सभी आगे नीचे लटकेंगे।
सबसे पहले नमस्कार आप सभी को जितने यहाँ पे प्रेजेंट हैं और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए हम आज बहुत दिन बाद आपके चैनल पर आए हैं जी। एक इस चैनल पर मैंने एक वादा किया था, वादा ये किया था कि मैं दावा करता हूँ कि टीआरई 3 का नहीं निकल गया हाथ से, पर टीआरई 4 में आपको फार्म भरवाएंगे एनआईओएस वाले साथियों से। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये जो दावा किए हैं ये दावा मेरा कहीं खाली ना चला जाए। खाली जाने के मात्र रीजन है विश्वनाथ जी के अकाउंट में पैसा ना होना। इतने दिन हो गए, कल हम विश्वनाथ जी के पास कॉल किए थे, कल या परसों किए थे कि विश्वनाथ जी हिसाब दीजिए कितना पैसा आपके पास आया है परजेंट में। विश्वनाथ जी 1-1 रुपया के हिसाब से मेरे को बोले कि मात्र अभी 1,85,000 रुपया कलमसम आया है। हम अचंभव हो गए कि ये क्या हुआ है। मेरा टारगेट था कि मिनिमम 10 लाख रुपया आ जाना चाहिए, लेकिन आया नहीं, मात्र 2 लाख मतलब 1,85,000 रुपया। अब बताइए कि 1,85,000 हमारे यारो का फीस है 2 लाख रुपया कलमसम, 1,85,000 में क्या हम वहां केस जीत पाएंगे? नहीं। तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, और जितने एनआईओ साथी हैं आप टीआरई 4 में अप्लाई करना चाहते हैं, टीआरई 2 का रिजल्ट लेना चाहते हैं, और बड़ी चीज है कि टीआरई 1 में मैं सिलेक्शन लिया हूं, और टीआरई 1 में जितने एनआईओ कैंडिडेट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम आया था, अगर उनको ज्वाइनिंग लेना है तो भाई आपको जगना होगा। सिर्फ ये आकर वीडियो देखने से कि हम सुन रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर आपके चैनल पर भी लाइव 400 लोग होंगे, उन 400 लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप सिर्फ देखिए मत, आप जगिए, आप अभी के अभी विश्वनाथ जी के अकाउंट में पैसा डालिए। सिर्फ आप इस चैनल पर आते हैं, सभी लोग से मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ न्यूज लेने आते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसमें बहुत सारे साथी ऐसे हैं, अभी लोगों को पता नहीं है कि हमारा अगेंस्ट जो गैंग है वो अपना मीटिंग स्टार्ट कर चुका है कि 5 तारीख के सुनने में आ रहा है, 5 तारीख के सुनने में आ रहा है कि फिक्स हो गया है। अब फिक्स होने के कारण लोग अब चांदा उगाही चालू करती है कि हम लोग जो आईए फाइल किए हैं अपना आईए एकदम क्लियर कर करके विपक्ष अगेंस्ट खड़ा होना है, और हाल में उस दिन हम लोग को राहत नहीं देने देना है आईओ साथियों को। अब राहत नहीं मिलेगा तो फिर देख लीजिएगा क्या होगा, क्योंकि हमारा वकील ही नहीं उतर पाएगा अच्छे से, पैसा ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वही होगा जो विपक्ष सोच रहा है। अब कुछ लोग तो अब यहाँ मुद्दा बंद करते हैं, कुछ लोग सोए हैं चालू करती हैं कि हम लोग जो आईए फाइल किए हैं अपना आईए एकदम क्लियर कर करके विपक्ष अगेंस्ट खड़ा होना है, और हाल में उस दिन हम लोग को राहत नहीं देने देना है आईओ साथियों को। अब राहत नहीं मिलेगा तो फिर देख लीजिएगा क्या होगा, क्योंकि हमारा वकील ही नहीं उतर पाएगा अच्छे से, पैसा ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वही होगा जो विपक्ष सोच रहा है। अब कुछ लोग तो अब यहाँ मुद्दा बंद करते हैं, कुछ लोग सोए हैं अचानक देखते हैं कि अरे ये तो मामला हाथ से निकल रहा है, लगता है विश्वनाथ निकाल लेगा केस को, उसका टीम निकाल लेगा, अब हमारा दिक्कत होगा हमारे साथ, हम उन लोग साथ मिलेंगे नहीं, हम सहयोग नहीं करेंगे। हमको समझ नहीं आ रहा है वो साथी करना का चाह रहे हैं या कहना का चाह रहे हैं, ना हेल्प करिएगा ना सहयोग करिएगा, सिर्फ यही बात करिएगा हम ये लेकर जाएंगे वो लेकर जाएंगे। अरे क्या लेकर जाइएगा, क्या ऐसा कभी मौका मिलेगा जिस केस में MHRD NIOS CB शर्मा अच्छे अच्छे लोग आपके आए हैं कि मतलब इस केस को जिता दिया जाए, नहीं इसको भली करा दिया जाए, आप सोच सकते हैं फिर ये कभी भविष्य में संभव है? आपके SLP कुछ भी लेकर जाइए, ये संभव नहीं है कि इतने लोग जितना आज 5 तारीख को प्रेजेंट होने वाले हैं फिर भविष्य में कभी भी प्रेजेंट होंगे, मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं। आइए आपके चैनल पर रिकॉर्ड रहेगा मेरा बात, हमका दोबारा कैसे सुना जाएगा, अब नहीं कुछ होगा, हताश परेशान गिर चुके थे हम लोगों ने क्या क्या कदम उठाए, कैसे कैसे उठाए कि लास्ट में TP थ्रू इसके बाद कैसे कैसे कर करके आज रिव्यू ओपन करा दिए। आप सोचिए कि माटी में गड़े हुए मुर्दे को निकालकर जान डाल चुके हैं हम लोग, लेकिन वो जान लगता है कि हमारे नए साथियों नहीं बचा पाएंगे। और ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात और कहूंगा कि सिलेक्टेड NIOs अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कृपया मेरे बात को ध्यान से सुने एक बार। मैं मानता हूं कि हम लोगों के साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन ये याद रख लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा कि भविष्य में हम कभी प्रधान शिक्षक IHM की एग्जाम नहीं दे पाएंगे,
कभी 6 to 8 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और बच भी गया नौकरी तो बचाने के लिए पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस करना पड़ेगा। आज हमारे पॉकेट से 500,000 रुपया नहीं निकल रहा है, उस दिन हमारे एक एक महीना के पेमेंट निकालना पड़ेगा। इस बात को लिख लीजिए अपनी नौकरी बचाने के लिए कि भाई हम 50,000 रुपया देंगे लेकिन मेरा नौकरी बचना चाहिए। देखिएगा सर, बचा लीजिएगा सर, फिर उस समय आपका 50,000 निकालने में अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। मैं दावा करता हूँ, मैं ही सिलेक्टेड हूँ, उस समय मेरे को 50,000 निकालने में अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा नौकरी बच जाए, लेकिन आज मेरे पॉकेट से 1,000 रुपये नहीं निकलेगा तो बड़ी मुश्किल है। इसीलिए मैं सबसे बोल रहा हूँ, सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड साथी आप जगिए, 6 to 8 में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप NIOS डिग्री की फाइलिंग कराइए। आपको 1,000-2,000 रुपया पॉकेट से निकालने से कहीं हम लोग कुछ नहीं होने वाला, हम लोग के साथ कितने 1,000-2,000 रुपया इधर से उधर इधर से खत्म हो जाता है। बिल्कुल बताइए, आज 15 दिन से लोग लाइव आ रहे हैं कि पैसा जमा करिए, दीजिए दीजिए, लेकिन अभी तक 1,85,000 रुपया मात्र आया है, कहां से होगा? ठीक है, तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि पहले तो अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई वर्डिक्ट दे दिया जाता है तो उसमें रिव्यू लाना ही बहुत मुश्किल का बात है। ये कितनों को पता है ये हमें नहीं पता है, तो अगर किसी को पता नहीं है तो पता कर लीजिए। वो विश्वास सर जी के द्वारा वो हो गया है। पहले तो हम लोग जब रिव्यू केस के लिए फंडिंग कर रहे थे तो सबको आके हमें ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या रिव्यू एक्सेप्ट होगा, तो अगर हो भी गया है तो अभी आपको मतलब आगे आके रेगुलर हमारे यहाँ कुछ करेंगे तो वो दूसरा बात है। आप अपना कोर्स, जो कोर्स भी था, कुछ भी था, फिर जितना सारा चार्जेस था वो करके जैसे तैसे इतना परिश्रम करके आप वो कोर्स को आप कंप्लीट कर लिए हैं, अब उसको वैलिड करने के लिए आपका कुछ नहीं करना है तो ऐसे कैसे चलेगा? अगर देखिए जंग है तो जंग लड़ना है, जो भी है ना, तो हमें ऑनेस्टी के साथ आगे आना है। और जो रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होता है वो कितनी मुश्किल से एक्सेप्ट हो गया है, अभी आप लोग आके अगर विश्वास सर जी को हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे होगा? कौन आपको इस तरीके से समझा? अपना अच्छा बुरा तो अपने अपने आप को सोचना है ना। कोई आके आप सब कुछ सबको एडल्ट है, कोई आके आपको नहीं समझाएगा कि ये रास्ता है। रास्ता आपके पास 50 है, लेकिन कौन सा सही वाला रास्ता है वो आपको चुनना है कि कौन सा सही वाला रास्ता में जाके आपका कुछ आगे जाके अच्छा होगा। तो बस यही निवेदन सबसे रहेगी कि आप आगे जाके अच्छा ही कुछ, हम भी पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, तो आगे आके हेल्प कीजिए। और क्या बताएं?